हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा उद्देश्य आपके पैसों में बढ़ोतरी करना है, और आप हमारे साथ बने हुए भी इसीलिए हैं कि ताकि हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी जानकारी लाएँ जिससे कि आपको फ़ायदा हो। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ऐसा ही बेहतरीन ETF जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, जैसे कि सबको पता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और वो चाहे गोल्ड के भी लिए भी हो सकते हैं, चाहे वो जैसे कि हम बात करें कि निफ्टी वाले भी हो सकते हैं, निफ्टी ETF भी हो सकते हैं, या फिर कोई कंपनी ने किसी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को मिला के कोई ETF बनाया वो भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हम इसीलिए उस एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने जा ETF की बात करने जा रहे हैं जो कि है मोस्ट शेयर 50, जो कि बिलोंग्स करता है मोतीलाल ओसवाल AMC से। ओके, मोतीलाल ओसवाल से। अब उसका फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या बेनिफिट है उसके। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले कि हमें सबसे ज़्यादा तो हमें थैंक इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल चैनल CNBC आवास और मनी कंट्रोल को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ है और वो हमें जानकारी इतनी दे रहे हैं। तो हम आपको, चलो अब बात करते हैं वो कौन सा फंड है। तो जैसे कि हमने बात किया कि वो कौन सा फंड है, तो वो फंड है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी का बेहतरीन ETF, वो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट 50 ETFs। दोस्तों इस ये जो अब आप देख रहे हो कि जैसे ये 82 रुपीज़ से 106 आ गया, दैट मीन्स समझ लीजिए कि ये निफ्टी के बराबर ही चल रहा है। 8,200 निफ्टी हुआ होगा और अभी 106 रुपये के आस, मतलब 1,100 के आसपास चल रहा है, बट इसमें कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो मान लीजिए कि इसमें 106 रुपये, दैट मीन्स वही ग्रोथ रेट मिला आपको। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका परफॉर्मेंस, ये पहले तो इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, ये एक ओपन एंडेड फंड है, इसके लिए आप डायरेक्ट इसको म्यूचुअल फंड से नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होनी पड़ेगी। डीमैट अकाउंट में आपके लिए ये ETF आप जब भी बाय करेंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आप इसको जस्ट लाइक शेयर की तरह रखेंगे और शेयर की तरह ही बाय और सेल करेंगे, और वो जो चार्जेस आपके लगते हैं AMC, आपके जो भी ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं वो आपको देने होंगे। इसके अंदर म्यूचुअल फंड के जो 1% 2% चार्जेस नहीं होते, जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा एंट्री लोड एग्जिट लोड, क्यों? क्योंकि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल जरोधा में से ख़रीदा तो कुछ और चार्ज होंगे। मान लो कि आपने कोई और AMC सॉरी आपने किसी और ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट है, जैसे कि एक्सिस है में है या फिर एंजल में है, तो वहाँ पर जो भी आपको ब्रोकरेज स्लिप लगता होगा वो आपके लिए लगा। दोस्तों इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ है, ये जस्ट ऐसे बोला गया है, बट आप इसमें शेयर्स को कितने भी लॉट्स में या क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। इसकी एसेट साइज है 20 करोड़ या मतलब 21 करोड़ के आसपास, जो कि 31 दिसंबर 2017 से। दोस्तों साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनसे जाकर दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें क्या है, मैं इसको आपको डेस्कटॉप मोड पर लेके जाता हूँ इसी कंपनी के। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस कंपनी में क्या क्या होल्डिंग्स है। सबसे पहले हमें होल्डिंग पर कॉन्सेंट्रेशन करना होता है कि होल्डिंग किस कंपनी में से, तो आप देख पाओगे कि इसमें वही ऑलमोस्ट 50-60 कंपनियाँ होंगी, पर जो कंपनियां हैं वो किस टाइप की आप देखो तो सही। ज़रा सबसे पहले HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC, ITC, इन्फोसिस, ICICI, लार्सन, कोटेक, TCS, मारुति, SBI, मतलब आप सब टॉप ब्रांडेड कंपनी इसके अंदर है। HUA यहाँ से लेके देखिए आप, जितनी भी सारी कंपनीज है, टाटा मोटर, सन फार्मा, वेदांता, यस बैंक, और अगर हम बात करें तो बजाज ग्रुप्स की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, आपको सब तरह की कंपनी इसमें मिलेगी। ऑलमोस्ट ये 50 ही कंपनी होंगी, क्योंकि इसका नाम ही 50 है या 50 है, तो ऑलमोस्ट इसमें 50 कंपनी होगी, बट ये वो कंपनियां नहीं है जो सारी निफ्टी में आती हैं। इसमें इन्होंने एक ये क्रिएट किया है ETF जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेहतरीन कंपनीज, टॉप रैंकिंग कंपनीज को लिया है, टॉप ग्रोथ वाली कंपनियाँ, और उससे मिलकर ये ETF बनाया है। तो आप देखेंगे होल्डिंग में सबसे ज़्यादा होल्डिंग, जैसे कि हमने बात की कि HDFC बैंक की ही 9-10% होल्डिंग है। उसके बाद अब इसको अगर आप सेक्टर वाइज अलोकेशन करके देखोगे तो वो ज़्यादा और अच्छा आपको पता चलेगा कि क्या है इसके में खास। तो आप देखोगे
कि जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ही 35% इन्होंने इन्वेस्ट किया, ऑयल एंड गैस में 12% के आसपास इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ और ऊपर जाओगे डीप में तो आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, जो कि है 11% के आसपास। 10.5% इन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑटोमोटिव में। तंबाकू कंपनी जो कि एक ही कंपनी है ITC, उन्होंने उसमें 5% के आसपास इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने अपने फंड को क्रिएट किया है, और इस फंड का जो ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेटर है हम जहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो ये देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न है इनका 28% के हिसाब से, और अगर हम बात करें ईयर के हिसाब से तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मैं यहाँ पर जो स्क्रीन थी इसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको नीचे से वापस ले जाके दिखा, ओवरव्यू में जाएंगे। और इसका यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर इसका कितना रिटर्न दिया है ये दिया नहीं गया है, ठीक है, नो इशू है, बट आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें कितना इशू, कितना परसेंटेज ऑफ अर्निंग है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि कोई चीज़ 82 रुपीज़ से 106 रुपीज़ हो गई तो दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट ऑन योर ऑन बेसिस, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 20% के हिसाब से ईयरली रिटर्न मिल चुका है इसमें। तो दोस्तों अब आपको इस तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, आप किस तरीके से कर पाएंगे, वो आप इसमें आराम से जाके देख सकते हैं और अपना विचार बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको पैसा को बढ़ावा देना है, किस तरीके से आप अपने पैसे को बढ़ावा देंगे। दोस्तों देखेंगे कि 98% के हिसाब से इन्होंने इक्विटी में रखा है, बाकी इन्होंने कैश में रखा है। दोस्तों इस तरीके के फंड में ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों आपका दिन शुभ।